महासंघ एक और झटका, पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने दे दिया इस्तीफा, नाराज थे, टिकट कटने से नाराज थे। कद्दावर बीजेपी लीडर हैं रुस्तम सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बसपा में शामिल हो गए हैं। टिकट कटने से नाराज थे रुस्तम सिंह। हालांकि उनकी नाराजगी कोई आज की बात नहीं है, लंबे अरसे से वो नाराज चल रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका, पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता रुस्तम सिंह, ये आईपीएस भी रहे हैं, इनके पास स्वास्थ्य का पोर्टफोलियो भी रहा है, और ऐसा लीडर अब बीजेपी के साथ नहीं। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ भाजपा को छोड़कर बसपा में शामिल हो गए हैं। तो मुरैना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक और बड़ा झटका, पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रुस्तम सिंह लगातार नाराज चल रहे थे, धीरे धीरे कई बार दबे छिपे स्वर में यह बात निकलकर सामने आई कि धीरे धीरे उन्हें हाशिए पर धकेला गया, इससे वो नाराज थे। सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ बसपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों के बागियों का एक ही सहारा, या तो सपा या बसपा, ज्यादातर बसपा में ये शामिल हो रहे हैं। बसपा गोंगपा, ये कई जगहों पर चुनाव में हार जीत का फैसला करती हैं। अब पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह भी बसपा में शामिल। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि शिवराज जी समझदार को इशारा काफी होता है। मध्य प्रदेश में किसान दुखी हैं, जवान दुखी हैं, बुजुर्ग दुखी हैं, माताएं बहनें दुखी हैं, दलित और आदिवासी दुखे हैं। उनके दुख का कारण डबल स्पीड पर चलने वाली आपकी झूठ मशीन है, आपकी दिखावटी बनावटी सजावटी और मिलावटी सरकार ने भारत के हृदय प्रदेश को विदीर्ण कर दिया है, विदीर्ण कर दिया है। जनता त्राही त्राही कर रही है, अब बदलाव होगा और जन कल्याण करने वाली सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी, इसका भी इस्तेमाल उन्होंने किया है सोशल मीडिया पर। अक्सर ज्यादातर सोशल मीडिया के जरिए हमले बोलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। और इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं देवघर, कुल देवता के मंदिर पहुंचे हैं सिंधिया। उड्डयन मंत्री, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देवघर पहुंचे हैं। सिंधिया परिवार के कुल देवता का यह मंदिर है, यहां पहुंचे हुए हैं। राजशाही पोशाक में सिंधिया ने पूजा अर्चना की, उनके साथ उनके बेटे महान आर्यमन सिंधिया भी पहुंचे हुए हैं। अक्सर आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, बहुत कम मौके पर सिंधिया परिवार राजशाही पोशाक में आपको नजर आएगा, उनमें से एक मौका ये, अपने बेटे महान आर्यमन के साथ वो पहुंचे हुए हैं कुल देवता के मंदिर। और चुनाव के साथ ही शुरू हो गई है दल बदल की राजनीति। मरवाही के 11 दावेदारों समेत 100 कांग्रेसी नेताओं ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि कांग्रेस ने मरवाही से डॉक्टर के ध्रुव को प्रत्याशी बनाया है। इससे नाखुश कार्यकर्ता और नेताओं ने जिला महामंत्री पुष्पराज सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे की घोषणा के बाद से नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। निर्दलीय चुनाव लड़ने में गुलाब सिंह राज, प्रताप मरावी, अजीत श्याम, ऐसे कई चेहरे शामिल हैं। और कांग्रेस में विधायकों के टिकट कटने पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करने का अधिकार पार्टी आलाकमान को है। पार्टी हर कार्यकर्ता के काम का समय समय पर मूल्यांकन करती है। जो विधायक की भूमिका में थे वो अब अन्य भूमिका में रहेंगे, और जो कार्यकर्ता की भूमिका में थे वो चुनाव लड़कर विधायक की भूमिका में आएंगे। हम बीजेपी के समान अलोकतांत्रिक नहीं है। बीजेपी में तो कार्यकर्ताओं से
पूछे बिना टिकट बांट दी गई। कांग्रेस पार्टी के पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। पार्टी ने योग्य उम्मीदवारों का चयन किया है। सारे के सारे अपने क्षेत्रों में बेहद ही लोकप्रिय हैं। कार्यकर्ताओं में इस सूची के आने के बाद असीम उत्साह का वातावरण है। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि अब की बार 75 पास, इस सूची के आने के बाद यह तय हो गया कि हम 75 के मैजिक फिगर को जरूर पास करेंगे। खबर कोरबा से, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता हुई, फूहड़ डांस करवाया गया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं और इन पर, इन डांसर्स पर नोट उड़ाते नजर आए युवा। पाली थाना इलाके के नागोई गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।